Students, welcome to the second day of SST class. Yesterday we started chapter 6. In that we read about temperate zones and the types of grasslands. And in that we begin with the introduction of prairies. And different types of grasslands padhe the. And in different continents the grasslands are named by different names. और उसमें से हमने प्रेरीज के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने आपको कल दी थी. ठीक है. सो टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट इट्स लोकेशन, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ प्रेरीज ओनली. क्लियर. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लोकेशन. प्रेरीज लाइज इन नॉर्थ अमेरिका. As I told you yesterday also, it's a type of grassland of continent North America. So, it lies in North America, and which extends from Canada to Mexico. ये location है उसकी. They are located in the northern hemisphere. और इसकी location कहाँ है? Northern hemisphere. जो equator to North Pole होता है वो northern hemisphere होता है. Clear? तो ये उसकी लोकेशन है जहाँ पे प्रेरीज लोकेटेड है. आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस. सो विच इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए? आई एम टेलिंग यू इट इज़ वॉशिंगटन डीसी. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीसी? इट इज़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया. ओके. एंड ओटावा इज़ द कैपिटल ऑफ कैनेडा. क्लियर. So as we were studying about prairies were covered with thick grass, but now they have big farms each covering thousands of acres. Itna zyada grasslands ka area yahan pe hai. And the important places in the prairies are Chicago, Dallas, etc. And there are some more also. And Alberta, Manitoba, etc. in Canada. Okay. And if I tell you about its rivers, कौन से rivers यहाँ पे flow करते हैं? These are Mississippi and Missouri. These are the two names of the rivers which flow in prairies. Clear? I think you people are clear with the location. कहाँ पे है ये? It is in northern hemisphere. And the places which I have told you and the rivers which flows through it. So, let's move to the next topic, that is climate. Prairies have extreme climate. Extreme climate means, इसका क्या मतलब होता है? कि in winter, it snows heavily. Means to say, अगर हम winter की बात करें, तो यहाँ का temperature -12°C to -17°C होता है. ओके. और इफ़ वी टॉक अबाउट समर, और अगर हम समर की बात करें तो टेम्परेचर इट रेंजेस फ्रॉम 20°C to 25°C. क्लियर. और समर्स में देर इज़ अ विंड नेम चिनूक. चिनूक इज़ अ हॉट विंड विच ब्लोज इन प्रेरीज. एंड दिस हेल्प टू मेल्ट स्नो. मीन्स अगर विंटर्स की बात करें तो ये स्नो मेल्ट करने में भी काम करती है एंड मेक ग्रेजिंग पॉसिबल. क्लियर. बिकॉज एनिमल्स तभी ग्रेज कर सकते हैं अगर लैंड क्लियर हो. सो दिस वॉज द क्लाइमेट टॉपिक. सो द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज क्लास इज वेजिटेशन. दीज ग्रासलैंड्स हैव सुटेबल क्लाइमेट एंड फर्टाइल सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस. क्योंकि ग्रास तभी ग्रो कर सकती है अगर सॉइल फर्टाइल हो तो. एंड वाटर फॉर वेजिटेशन इज अवेलेबल फ्रॉम मिसिसिपी एंड मिजोरी रिवर्स. मैंने आपको बताया कि ये दो रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती हैं और यहीं से पानी वेजिटेशन के लिए मिलता है. वेजिटेशन मीन्स ग्रो करने के लिए मिलता है. क्लियर. प्रेरीज आर द बिगेस्ट वीट ग्रोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. और इसी की वजह से जो सल्प्रस वीट है, सल्प्रस वीट मीन्स जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में वीट, ठीक है,
इट इज़ एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़, एक्सपोर्टेड मीन्स दूसरी कंट्रीज़ में भेजी जाती है, और इसको नेम दिया गया है वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, और कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं? अब मैंने वीट बास्केट बताया, तो वीट तो है ही है जो ग्रो होती है इस रीजन में, एंड अदर वन इज़ मेज। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड एंड विद व्हाट आई हैव टोल्ड यू। सो लेट्स रिकॉल व्हाट वी रेड। नेम द कैपिटल ऑफ USA। अभी मैंने आपको बताया था इट इज़ वॉशिंगटन DC। मैं दोबारा से बता रही हूँ, DC मीन्स होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वेयर आर प्रेरीज लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल। वॉट इज़ द नेम गिवन टू द हॉट विंड्स विच ब्लोज इन प्रेरीज? दैट इज़ चिनुक, CHINOOK। एंड वाई इट इज़ कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड? बिकॉज इट एक्सपोर्ट्स सल्प्रस वीट टू अदर कंट्रीज, दैट्स वाई प्रेरीज आर कॉल्ड वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, टुमोरो वी विल बी लर्निंग अबाउट द टाइप ऑफ एनिमल्स फाउंड हेयर एंड अबाउट द पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशन। एंड यू हैव टू वॉच दिस वीडियो एंड रीड पेजेस। थैंक यू।